अच्छा, आज की वीडियो गूगल स्कॉलर की सीरीज में से एक वीडियो है। जैसे हमें पता है कि हम एक ऑलरेडी सीरीज रन कर रहे हैं, एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट चला रहे हैं जिसके अंदर हम गूगल स्कॉलर के तमाम फंक्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है गूगल स्कॉलर से रिलेटेड। एक्चुअली गूगल स्कॉलर पर जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है कि इसके अंदर कोई क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं है। मिसाल के तौर पर जब भी आप कोई कीवर्ड डालते हैं, आप कोई टाइटल डालते हैं, तो ये हर किस्म का आर्टिकल आपके सामने रख देता है, चाहे वो डब्ल्यू कैटेगरी के जनरल का आर्टिकल हो, एक्स कैटेगरी के जनरल का आर्टिकल हो। वो दुनिया के तमाम अच्छे से अच्छे आर्टिकल और बुरे से बुरे आर्टिकल, तमाम आर्टिकल आपके सामने ले आता है। वो कॉन्फ्रेंस पेपर्स ले आता है, थीसिस ले आता है। तो बेसिकली कोई ऐसा शख्स जो कि अभी रिसर्च करना स्टार्ट किया उसने, और वो रिसर्च आर्टिकल को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस क्वालिटी का आर्टिकल है, या उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या उसकी इतनी नॉलेज नहीं है कि उसको पता हो कि कौन से जर्नल अच्छे हैं, कौन से जर्नल बुरे हैं। तो वो बेसिकली डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि किस आर्टिकल को रीड किया जाए, किस आर्टिकल को साइट किया जाए, किस आर्टिकल को साइट ना किया जाए। तो बेसिकली कुछ क्राइटेरियाज है जिसकी बेस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आर्टिकल अच्छा है, आर्टिकल अच्छा नहीं है। मैंने एक और वीडियो बहुत डिटेल में बनाई थी जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा जर्नल अच्छा है, कौन सा जर्नल बुरा है, इंडेक्स क्या होता है, Q1 जर्नल्स क्या होते हैं, W कैटेगरी क्या होता है। ये सारा कुछ मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इस वीडियो में पर्पज ये है कि जब हम गूगल स्कॉलर में आर्टिकल सर्च करेंगे तो आर्टिकल सर्च करने से ये होगा कि हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक होता है, नंबर ऑफ साइटेशन, जो हमें बताता है कि इस आर्टिकल को कितनी दफा साइट किया गया है। इसकी बेस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये आर्टिकल अच्छा है या ये आर्टिकल बुरा है। इसके अलावा गूगल स्कॉलर हमें कुछ नहीं बताता उस आर्टिकल के बारे में कि ये कहाँ कहाँ से इंडेक्स है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसका नाम है रैपिड जनरल क्वालिटी चेक। एक एक्सटेंशन है जो गूगल क्रोम में ऐड हो जाती है, जैसे मैं आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। अच्छा, डाउनलोड करना बहुत आसान है। आप सर्च करें डाउनलोड रैपिड जनरल क्वालिटी चेक एक्सटेंशन, ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। इसे अपने क्रोम पे इंस्टॉल कर लें। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक दफा आपको दिखा देता हूँ। मैं गूगल स्कॉलर पे गया और मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल लिख दिया, एम्प्लॉय इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हम इसे सर्च करते हैं। अब ये देखें, अब ये सारे ऑप्शन नॉर्मल गूगल स्कॉलर पे नहीं आते लेकिन मेरे पास आ रहे हैं। ये दिखा रहा है कि ये जर्नल, ये जो आर्टिकल है जिस जर्नल में पब्लिश हुआ है वो Q1 में आता है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये किन चीज के ऑप्शन है। अच्छा, जैसे ही आप ये इंस्टेशन अपने पास इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये ऑप्शंस आपके पास आएंगे। इसे एक दफा केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जनरल की। अब जैसे मुझे, मैं क्योंकि बिजनेस एप्लीकेशन से ताल्लुक है मेरा, तो मुझे ABDC कैटेगरी जाननी है कि क्या वो ABDC कैटेगरी में आता है नहीं आता। इस तरह मैंने यहाँ पे HGR को चेक किया हुआ है, FT50 को चेक किया हुआ है। आप अपनी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड, जिस इंडेक्स में आपकी रेलिवेंट फील्ड को ज्यादा वेटेज दी जाती है, आप उसको चेक लगा सकते हैं। अच्छा, एक काम तो इसमें ये होता है कि आप यहाँ पे जनरल का नाम लिख दें। अब जैसे मैं यहाँ पे जनरल मार्केटिंग लिखता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, तो देखिए जनरल मार्केटिंग के बारे में इसने सब कुछ बता दिया कि HGR में Q1 है। Q1 आपको पता है क्वार्टाइल 1, मतलब टॉप 25 जनरल्स में से ही आता है। और ये बाकी तमाम डिटेल के ABDC कैटेगरी में, ये ए स्टार कैटेगरी में आता है, और तमाम डिटेल इसने बता दी। तो एक ऑप्शन तो ये है कि मैं आर्टिकल का यहाँ पे नाम लिखूंगा और मुझे इस आर्टिकल की तमाम इंडेक्सिंग बता देगा। दूसरा ऑप्शन इसमें ये है कि आप जब आपने सर्च किया था तो ये सारी डिटेल देखें यहाँ पे भी दे रहा है, और जैसे ही आप यहाँ पे प्लस को प्रेस करेंगे तो ये आपको बाकी डिटेल्स भी दे देगा। अच्छा, यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे तो ये ऊपर डिटेल दे रहा है आपको कि जनरल का नाम ये है, एच इंडेक्स इसका 161 है, HGR में Q1 कैटेगरी में आता है। और अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्लस के बटन को ना दबाएं बाकी तमाम इंडेक्स देखने के लिए, तो आपको फिर यहाँ पे हर जगह चेक लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आप ये काम कर सकते हैं कि 3 से 4 जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप उस पर चेक लगा दें, और अगर आप बाकी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो फिर आपको इस प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको बाकी तमाम ऑप्शन दिखा देंगे। इसका बेनिफिट ये है कि जब आप आर्टिकल सर्च करेंगे तो उस आर्टिकल की तमाम डिटेल्स आपको उसी के सामने दिख रही होंगी कि कहाँ कहाँ से इंडेक्स है। इसी तरह फिर आप किसी की प्रोफाइल सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे प्रोफाइल शेयर करता हूँ जॉब फेयर की, एक मल्टीमीडिया ऑफिस का राइटर है, और मैं यहाँ पे जॉब फेयर की प्रोफाइल में जाता हूँ।
अब देखें, ये सारे आर्टिकल है जो जोसेफ गेन ने लिखे हुए हैं, तो इसकी प्रोफाइल भी मैं देख सकता हूँ कि इसके जो आर्टिकल है वो किस कैटेगरी में पब्लिश हुए हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो इंडेक्स है। तो किसी की भी प्रोफाइल देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि वो आर्टिकल जहाँ पे पब्लिश कर रहा है वो किस कैटेगरी के आर्टिकल्स होंगे, किन इंडेक्स में पब्लिश हुए हुए है। तो बहुत जबरदस्त इंस्ट्रक्शन है ये चेक करने के लिए कि आर्टिकल की क्वालिटी अच्छी है या आर्टिकल की क्वालिटी बुरी है। इससे पहले हमारे पास जो ऑप्शन होता था वो ये होता था कि साइटेड बाय, इस साइटेशन से मैं अंदाजा होता था कि भाई कितने लोगों ने साइट किया है, तो फिर आर्टिकल अच्छा होगा बुरा होगा, इसके अलावा कोई इंडेक्स नहीं था। लेकिन इस एक्सटेंशन का बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपको आर्टिकल के साथ इसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ से इंडेक्स है कहाँ कहाँ से इंडेक्स नहीं है। शुक्रिया।